नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फैमिली गुरु पर और मैं हूं आपके साथ प्रेरणा। दोस्तों, दिवाली का त्योहार पूरे 5 दिनों तक चलता है, जिसकी शुरुआत धनतेरस के साथ होती है और भाई दूज के दिन ये महापर्व समाप्त हो जाता है। कहते हैं कि भारतीय काल गणना सतयुग से शुरू होती है। इस युग में पहली बार दिवाली पर्व मनाया गया था। इसके बाद आए त्रेता और द्वापर युग में राम और कृष्ण के साथ इसमें नई घटनाएं जुड़ती गई और ये 5 दिन का पर्व बन गया। इस वक्त पूरे देश में दिवाली की धूम है। दिवाली का खुशियां मनाने और बांटने का त्योहार है। 5 दिन तक चलने वाले इस त्योहार में हर दिन का अलग महत्व और मान्यता है। ये 5 दिन का महापर्व लक्ष्मी जी, भगवान राम और कृष्ण की पूजा के लिए समर्पित होता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि इन 5 दिनों का महत्व क्या है। दोस्तों, 5 दिनों के इस महापर्व में दिवाली सबसे खास होती है। वहीं इस पंच दिवसीय पर्व में हर दिन अलग अलग देवी देवताओं की पूजा अर्चना की जाती है। धनतेरस के दिन से ही खरीदारी शुरू हो जाती है और यम द्वितीया पर ये पर्व समाप्त होता है। इन पूरे 5 दिनों तक सभी ओर भक्ति और खुशी का माहौल बना रहता है और कई दिन पहले से ही इसकी तैयारियां भी शुरू हो जाती हैं। चलिए जानते हैं धनतेरस से लेकर भाई दूज तक पंच दिवसीय महापर्व की तिथि और इन सभी दिनों का महत्व। धनतेरस सबसे पहले सतयुग में कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष में त्रयोदशी तिथि के दिन समुद्र मंथन से भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए थे। तब से ही धनतेरस का पर्व शुरू हुआ। धनतेरस पर अमृत पात्र को याद कर नए बर्तन और नई चीजें घर पर लाने की परंपरा है। इस दिन दीप दान करने की भी मान्यता है, जिससे यमराज प्रसन्न होकर अपनी कृपा बनाए रखें। इस साल ये पर्व 10 नवंबर 2023 को मनाया जाएगा। नरक चतुर्दशी यानी कि दूसरा दिन। द्वापर युग में इसी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था। तब से ही नरक चतुर्दशी का पर्व मनाया जाता है। नरक चतुर्दशी के दिन 5 या 7 दिए जलाने की भी परंपरा है। इस बार ये पर्व 11 नवंबर को मनाया जाएगा। तीसरा दिन यानी कि दिवाली। दोस्तों, सतयुग में सबसे पहले कार्तिक मास की अमावस पर लक्ष्मी जी समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी। पौराणिक कहानी है कि इसी दिन भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की शादी हुई थी। तब से ही दिवाली मनाने की शुरुआत हुई। बाद में त्रेता युग में इसी दिन राम वनवास से घर लौटे थे। ये दिन महालक्ष्मी पूजन के लिए विशेष होता है। इस साल दिवाली का पर्व 12 नवंबर के दिन मनाया जाएगा। चौथा दिन यानी कि गोवर्धन पूजा। द्वापर युग में दिवाली के अगले दिन प्रतिपदा पर भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाया था। तब से ही इसकी पूजा की जाती थी। तब से ही ये दिन 5 दिन के इस महापर्व का हिस्सा बना। इस दिन कई तरह के पकवान बनाए जाते हैं और दूध, दही, घी का भोग भगवान को लगाया जाता है। साथ ही विकास और वृद्धि के लिए दीप जलाए जाते हैं। इस साल ये पर्व 13 नवंबर को मनाया जाएगा। पांचवा दिन यानी कि भाई दूज। द्वापर युग में इस दिन कृष्ण नरकासुर को हराने के बाद अपनी बहन सुभद्रा से मिलने गए थे, जबकि सतयुग में इसी दिन यमराज अपनी बहन यमुना के घर उसके आमंत्रण पर गए थे और यमुना जी उनका तिलक लगाकर आदर सत्कार किया था। तब से ही ये दिन भाई दूज के रूप में मनाया जाता है। ये दिन भाई बहन के प्रेम सूत्र को मजबूत करने का दिन होता है। इस साल भाई दूज 14 नवंबर के दिन मनाया जाएगा। तो दोस्तों, ये था दिवाली के 5 दिनों का महत्व। आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं और साथ ही बने रहिए आपके अपने चैनल फैमिली गुरु पर। धन्यवाद।